हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कपड़े पर सूट को रख कर किस तरह से सूट की कटिंग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूं रोशि, स्वागत है आपका रोशिस कॉर्नर में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने कपड़े को ले लिया है, जितना आपको लेंथ रखनी है वो आपको लेना है, प्लस उसमें जो आप जितना आपको फोल्ड करना है उतना आपको लेना है। मैंने 3 इंच नीचे से फोल्ड करूँगी तो 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है, और ऊपर से 1 इंच का मार्जिन, तो 4 इंच जो है वो मार्जिन के हिसाब से मैंने इसमें कंक्लूड कर लिया है। तो इस हिसाब से आपने फैब्रिक को ले लेना है, और ये हमारा उल्टा फैब्रिक है, मैंने इसे डबल किया है। देखिए, मेरा ये जो फैब्रिक है ये बड़े आर्च का है, तो इसलिए जितनी हमें शर्ट की चौड़ाई चाहिए, जैसे मुझे मेरा जो रेडी मेजरमेंट आता है हिप एरिया से, वो मेरा 21 है, और उसमें हम 3 या 4 इंच जितना आपको मार्जिन रखना है उसके हिसाब से उसमें ऐड कर लीजिए। तो मैं ये 24 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी, तो इसको हमने 4 फोल्ड में करना है, तो हम इसे 4 फोल्ड में 12 इंच में इसको हाफ कर लेंगे और इसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें फैब्रिक को बिछा लेना है, और कोई भी सिलवट उसमें नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर इसमें सिलवट होगी तो जो फिटिंग है वो सही नहीं आएगी, और ना ही स्टिच जो है वो अच्छी तरह से होगा। तो इस तरह से बिल्कुल सारी सिलवट हमको निकाल लेनी है, और ये हमने एक फैब्रिक रख दिया है। उसके बाद जो हम शर्ट लेंगे, हम वो भी जो है उसको भी अच्छी तरह से आयरन की उसे अच्छी तरह से प्रेस किया हुआ होना चाहिए। जैसे ये देखिए मेरी शर्ट है, बिल्कुल प्रेस है अच्छी तरह से। अब इसको हम उल्टी साइड से फोल्ड करेंगे। देखिए, ये जो फ्रंट नेक है उसे हम अंदर की तरफ करेंगे, और जो हमारा बैक पार्ट है वहाँ से हम इसको अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे। जो हमारे शोल्डर्स की सिलाइयाँ हैं वो हमारी बिल्कुल एक्यूरेट मिली हुई होनी चाहिए, और जो हमारी ये दामन साइड के चौक होते हैं ये भी अच्छी तरह से मिले हुए होने चाहिए। देखिए, अगर अच्छी, और इसमें भी कोई सिलवट नहीं होनी चाहिए, कहीं से कपड़ा जो है फैब्रिक जो है वो बीच में इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, कटिंग भी ठीक नहीं होगी और फिनिशिंग लाइन भी अच्छी नहीं आएगी। तो जो फोल्डेड एरिया है जो, और जो नीचे का हमारा फैब्रिक का फोल्डेड एरिया है, इनको हम आपस में इस तरह से बिल्कुल एक्यूरेसी में रखेंगे, बिल्कुल सही तरीके से इनको मिला के रखना है इस तरह से। और ऊपर से भी हम 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अपनी जो सूट है उसको प्लेस करेंगे इस पे। देखिए इस तरह से, और ये जो शोल्डर है इसको आप ऊपर ले लिए, ये देखिए इस तरह से आपको बिल्कुल इसको मिलाते हुए अपनी ये सूट को प्लेस कर देना है आपको ऐसे। ये सीधी साइड से आपको फोल्ड करना है, उल्टी साइड से फोल्ड नहीं करना है इसको। तो अब उसके बाद आपको क्या करने हैं, आपको सबसे पहले ये वाले निशान लगा लेने हैं। ये देखिए, ये आपका शोल्डर का निशान है यहाँ पे, और यहाँ से आप अपना इस तरह से निशान लगा लीजिए, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे मेरी ये स्लिट्स आ रही हैं, ये देखिए, तो ये स्लिट्स के लिए मैं इसको यहाँ पे इस तरह से निशान लगा दूंगी, और ये देखिए ये हमारा निशान लग गया है। अब उसके बाद आपको ये सीधा इसी तरह से ले लेने हैं, ठीक है, ये देखिए इतना हो गया। अब हम लगाएंगे शोल्डर का और नेक का, अगर आपको नेक जैसे भी रखना है आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। अब बोले मेरा इसका सेम राउंड नेक है, तो मैं इसको इस पे निशान लगा लूंगी। ये हमारा लग गया शोल्डर का, ये देखिए यहाँ से हमने सीम स्टार्ट कर रखी है, यहाँ पे हमने दे दिया है निशान शोल्डर का। अब उसके बाद रह गया है हमारे शोल्डर का निशान, तो आपको क्या करना है, आप चाहे तो ऊपर से शुरू कर सकते हैं या नीचे से, ये देखिए इस तरह से आपको इसके निशान ले लेने हैं, ये देखिए इस तरह से आपको लाना है, जो आपके सीम्स हैं उसके पास से ही आपको लगा देना है इसका निशान, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए ये हमारे शोल्डर का निशान भी लग गया है। देखिए इसको आप आराम से बाद में सीधा भी कर सकती हैं। अब ये जो हमारे निशान आ गए हैं, तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको ड्राफ्ट कर लिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप नेक अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितना आपको चाहिए। अब ये हमारे रेडी मेजरमेंट है, अब हमें इसमें सीम अलाउंसेस रखने हैं।
ये देखिए यहाँ से हम कट करेंगे हमारे शोल्डर का निशान, यहाँ पे हम सीम लगाएंगे जो 1/4 इंच हम उसके लिए देंगे, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से आप अपना वन आपको जितना देना है एक्स्ट्रा फैब्रिक उतना आप दे लीजिए, ये ठीक है। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं इसकी। ये हमने की है बैक पार्ट की कटिंग। फ्रंट पार्ट में आपको क्या करना है, शोल्डर जो है हमारा वो यहाँ से थोड़ा सा होता है हमारा अंदर की तरफ, तो इसी को ही आप इस तरह ले जाए, ये देखिए इस तरह हम कटिंग करेंगे। तो चलिए पहले बैक की कटिंग करते हैं, कैसे करेंगे आप देखिए। देखिए हम पहले बैक की कटिंग ही करेंगे, अभी जो शोल्डर कटिंग हमने की है, फ्रंट की कटिंग हम बाद में करेंगे, इसको एक पार्ट को अलग करने के बाद हम उसकी कटिंग करेंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हम पहले बैक की कटिंग करेंगे। तो देखिए कटिंग हमारी हो गई है, अब हम कट्स लगा लेंगे। जैसे हमारी ये स्लिट्स के जहाँ से शुरू होनी है हमने वहाँ पे कटिंग करनी है, और साथ में जहाँ पे नीचे हम अपना फट्टा फोल्ड करेंगे, जहाँ से हम फैब्रिक फोल्ड करेंगे लेंथ का, उस वहाँ पे हम टक लगा देंगे। और इस तरह से आपको जहाँ जहाँ आपको कट्स लगाने की ज़रूरत है वहाँ पर कट लगा दीजिए इस तरह से। अब हम ये इस तरह से फैब्रिक को देखिए, ये अंदर का जो हमारा पार्ट था टॉप जो बैक पार्ट है उसको एक सेपरेट कर लेंगे। अब जो हमने शोल्डर की कटिंग अंदर की तरफ करनी है फ्रंट पार्ट की, अब उसकी कटिंग भी हम सीमल मार्जिन रख के उसकी कटिंग भी कर लेते हैं। इस तरह से आपको कटिंग कर लेनी है उसकी भी। चलिए अब स्लीव की कटिंग भी कर लेते हैं। मैंने 36 इंच फैब्रिक लिया है और उसे मैंने 4 फोल्ड में इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है, तो 9 इंच हमारा आता है। तो 9 इंच का शोल्डर कम से कम होना चाहिए उसको मार्जिन के साथ। तो ये देखिए इस तरह से हमने अपनी जो सूट जिससे कटिंग की है उसकी स्लीव्स को इस तरह से प्लेस कर दिया है। देखिए इस सूट की मेरी स्लीव तो छोटी है, लेकिन जो मैं कटिंग कर रही हूँ वो मैं लॉन्ग स्लीव कट करूँगी, तो लॉन्ग आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको कितनी भी लंबी लेनी है। और देखिए इस तरह से आपको जो स्लीव है वहाँ से आपको, और जहाँ तक सीम लगी हुई है शोल्डर तक, वहाँ तक आपको इस तरह से निशान लगा लेना है। और उसके बाद देखिए जैसे हमने पहले कटिंग करते हुए शर्ट की स्लीव को निशान लगाया था शोल्डर की सीम्स के साथ साथ, तो वैसे ही हम निशान लगा लेंगे। पहले हमें 1/2 इंच या 1 इंच का मार्जिन हमें छोड़ देना है पहले, जो हमारा सिलाई में आएगा हमारा कपड़ा, तो वो मार्जिन छोड़ना है। और उसके बाद देखिए इस तरह से सिलाई फैब्रिक के साथ साथ हमें जहाँ पे स्टिचिंग लगी हुई है शोल्डर की, वहाँ पे हमें इस तरह से उसे निशान लगा लेना है। देखिए अब फ्रंट स्लीव की कटिंग के लिए भी 1/2 इंच हम देखिए इस तरह से अंदर की तरफ हाफ इसमें लेके इस तरह से हम अंदर की तरफ से फैब्रिक लेके इस तरह से निशान लगा लेंगे, तो ये हमारे फ्रंट स्लीव की कटिंग हो जाएगी। लेकिन जब हम कटिंग करेंगे तो पहले हम बैक पार्ट की ही करेंगे, जो हमने ये सीम लगाई हुई है ये, तो इसकी लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं स्लीव की। सो फ्रेंड्स इस तरह से स्लीव की कटिंग हो जाएगी। तो देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। तो इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरी वीडियोस को पसंद करते रहिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरे ये आइडिया कैसा लगा है। देखिए अब हम स्लीव की जो फ्रंट कटिंग का था जो शोल्डर की, हम वो भी कट कर लेंगे। पहले उसे इस तरह से हमने खोल लेना है और फिर इसकी कटिंग हम करेंगे। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे फिर इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।